Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So, in this lecture, we are going to discuss about transport of means of transport. Or you can say transport of minerals, transport of nutrients, transport of water and food. So, in this video, we are going to discuss about different transport mechanism. इस lecture में हम लोग different transport mechanism के बारे में देखेंगे. Okay? So, start करते हैं students. देखिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन में क्या होता है, पहले तो मैं आपको दो पॉइंट्स शॉर्ट में बताऊंगी. देखिए डिफ्यूजन या तो लिक्विड्स में होता है या तो गैसेस में होता है. और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन या हायर रीजन टू लोअर रीजन आप बोल सकते हैं. ठीक है. देखिए क्या होता है कि मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव. पैसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है. No ATP is required and may be from one part of the cell to the other or from cell to cell, cell के एक part से दूसरे part में या एक cell से दूसरे cell में or over short distances, छोटे छोटे distance के लिए or from intercellular spaces of the leaf to the outside. Intercellular space जो होते हैं leaf में उससे बाहर. No energy expenditure takes place. इस लाइन को आप मार्क कर लें स्टूडेंट्स. कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट. जब ये पैसिव प्रोसेस है आप याद रखेंगे कि हमेशा किसी भी एक्टिव प्रोसेस में अगर कहीं पे एक्टिव प्रोसेस लिखा है इसका मतलब दैट प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी. जब ये पैसिव प्रोसेस है तो इसका मतलब एटीपी एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा. और एक्टिव प्रोसेस में काम हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. और अगेंस्ट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और जबकि मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. टूवर्ड्स मतलब हायर टू लोअर. ओके, सो यहाँ पे ये एक बड़ा पॉइंट मिल रहा है आपको कंसेप्ट को समझने के लिए. और डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडम फैशन में, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. और अगर हम लोग बात करें डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम. डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स. But diffusion in solid is more likely rather than of solid. So diffusion is very important to plants since it is the only means for gaseous movement. ये बहुत important point है कि diffusion एक ऐसा process है जो कि plant में gaseous exchange के लिए एक अकेला process है. ठीक है students? So चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे के points को discuss करते हैं. जो diffusion rates हैं वो affect होते हैं gradient of concentration, मैंने आपको बताया. चूंकि ये passive process है तो ये towards the concentration gradient जाएगी. And the permeability of membrane separating them, temperature and pressure. ठीक है. So I think diffusion is clear to you. मैंने आपको तीन points बताया diffusion में कि concentration gradient के towards काम होगा, passive है, energy की process expenditure की नहीं होगी, liquids और gases में apply होगा. Okay. So the permeability diffusion rates जो होंगे वो concentration gradient पे depend करेंगे, permeability membrane की उनको separate करने की. हाँ एक point आपको और मैं बता दूँ, diffusion में यदि molecules का transfer from higher concentration to lower concentration हो रहा है तो through the fully permeable membrane होगा, permeable membrane होगा. जैसे हम लोग osmosis में semi permeable बोलते हैं, यहाँ पे semi permeable और impermeable वाला कोई concept नहीं है. आप याद रखेंगे कि permeability is present, permeable membrane होगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये फैसिलिटेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि इसको फैसिलिटेट कराना पड़ेगा. आप कैसे फैसिलिटेट कराएंगे, देखिए. ए ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर. द डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द साइज. डिफ्यूजन का रेट जो है वो साइज पे डिपेंड करेगा. जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, तेजी से डिफ्यूज होंगे. एंड डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा. The major constituent of the membrane and the substance soluble in lipids diffuse through the membrane faster. जो lipids के substance होंगे वो काफी तेजी से diffuse होंगे. और जो substance hydrophilic होते हैं means water loving होते हैं, they find it difficult to pass through the, उनको problem आएगी pass होने में. Their movement has to be, उनके movement को facilitate करना पड़ता है क्योंकि वो water loving है. ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो वहां कहां के लिए अप्लाई होगा, तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, दे विल अप्लाई फॉर हाइड्रोफिलिक एंटिटीज.
क्योंकि इनको जो पास कराने में प्रॉब्लम होगी तो इनको हमें मूवमेंट को फैसिलिटेट कराना पड़ता है. ओके एंड द मेम्ब्रेन डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स. दे डू नॉट सेटअप ए कंसंट्रेशन. यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बन पाता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट. और जबकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन के लिए. इवन इफ फैसिलिटेटेड, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है फैसिलिटेशन के लिए. इसीलिए हम लोग इसको कैसा डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी. यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है. प्रोटीन चैनल्स की जरूरत होती है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन. दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन. इसलिए यहाँ पे एनर्जी, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी. भाई जब नेट ट्रांसपोर्ट ही नहीं होना है मॉलिक्यूल्स का तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी. एंड द ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड. ये जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है ये मैक्सिमम पहुंच जाता है जब प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर को यूज करते हैं हम लोग. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का देखिए ये बहुत अच्छा पिक्चर है जो कि आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखा रहा है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ये आउटसाइड सेल का है. ये मॉलिक्यूल्स अंदर डिफ्यूज होकर जा रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर जा रहे थे. यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी. ये इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना था. पिंक कलर का जो दिखाया हुआ है ये ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है. तो प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है. बस एक लाइन में आप इसको समझेंगे. ठीक है नेक्स्ट आते हैं. जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है दिस इज वेरी स्पेसिफिक. इट अलाउ सेल्स टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक. इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है. द प्रोटीन फॉर्म चैनल्स. यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो चैनल्स को बनाएंगे. आप देख रहे हैं यूनिपोर्ट मतलब एक डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट मतलब एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में. यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन और एक होगा सिमपोर्ट जहां पे दोनों एक लाइन में जा रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन चैनल्स बनते हैं, प्रोटीन फॉर्म चैनल्स, ये प्रोटीन चैनल्स बनाते हैं इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास. सम चैनल्स आर, कुछ चैनल हमेशा खुले होते हैं, कुछ को कंट्रोल किया जाता है, कुछ बड़े होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देते हैं. तो ये जो चैनल्स होते हैं उनका नाम है पोरिन. ये दीज आर द पोरिन, एक तरीके की प्रोटीन्स हैं. दीज आर द पोरिन्स आर द बेसिकली दे आर व्हाट दे आर प्रोटीन्स. ओके दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स. तो पोरिंस क्या होंगे, दीज आर द प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज पोर्स बन जाएंगे ऑफ प्लास्टिड्स. और ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यूनिपोर्ट में सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, एंटीपोर्ट में दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सिमपोर्ट. तो देखिए होता क्या है कि जो पोरिंस होते हैं ये प्रोटीन है जो कि लार्ज पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में, जो कि मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन. ये जो फिगर है 11.1 शोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर ये बाइंड हुआ है, देखिए ब्लू कलर का मॉलिक्यूल था और ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन पे बाइंड हो गया है टू बी ट्रांसपोर्टेड. एंड अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल. वाटर चैनल विच इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स के बने होते हैं. ओके सो अगला लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पैसिव सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट. ठीक है पैसिव सिमपोर्ट एंटीपोर्ट को इसी लेक्चर में खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बनाएंगे. सो देखिए जो पैसिव सिमपोर्ट मतलब है सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट मतलब डिफरेंट डायरेक्शन. सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टूगेदर. ठीक है सिम मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन. एंड वेन
मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इंडिपेंडेंट है अदर मॉलिक्यूल्स में तो यूनिपोर्ट बोलेंगे. व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट है यूनिपोर्ट में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.